सो हे हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। सो गाइस, आ गया हूँ हैप्पी बर्थडे का वीडियो लेके। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, एंड प्रीव्यू दिखाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी चैनल पे नए हैं अभी तक, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सो प्रीव्यू देखें। सो गाइज, अगर कुछ इस टाइप की वीडियो एडिटिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। एंड उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को ओपन करना है एंड वहाँ से सारे मटेरियल्स डाउनलोड कर लेना। एंड डाउनलोड करने के बाद अपने लाइट मोशन को ओपन करना है। एंड लाइट मोशन में जब भी प्रोजेक्ट इंपोर्ट करोगे ना गाइज, उससे पहले आपको क्या करना, अपने फॉन्ट को इंपोर्ट कर लेना जो कि लेमन मिल्क वाला है। एंड उसको इंपोर्ट करने के बाद आपको अपने लाइट मोशन को ओपन करना है। सो लाइट मोशन ओपन कर लोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। सो यहाँ पर थोड़ा सा लोड ले रहा है। एंड देन आपको प्लस के राइट से प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर जाना गाइज। एंड पहला आपको बिटमॉक वाला प्रोजेक्ट गाइस कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे इस टाइप से आपको लाइस लिखा होगा। तो यहाँ पे आप 7 मार्च लिखा होगा, आप जो भी लिखना चाहते हो ना गाइस, इस पे टैप कर एडिट पे जाए एंड यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं ऐसे 7 मार्च रहने देता हूँ, ये मेरा बर्थडे है। तो आगे जाते हैं एंड यहाँ पे विश यू मैरी मोर, आगे बहुत सारा कुछ लिखा हो। तो गाइस ये सारा खुद से आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है वैसा लिख सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड डियर रवि, मैंने अपना नाम लिख लिया। सो जो भी आपका गाइज यार, जो भी लिखना चाहते हो ईजिली से यहाँ लिख लोगे। एंड होप आप सबको समझ आ गया। यहाँ पे सभी पे फोटोज इंपोर्ट करना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो पे जाके अगले पिछले बिटमार्क में ईजिली से जा सकते हो, जैसे वीडियो में दिखाया। तो आपको क्या करना गाइज, यहाँ पे आ जाना, जैसे कि लाइरिस खत्म होती है उसके बाद एक फोटो इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे आना, प्लस वाले आइकन पे टैप करना मेरे ऑप्शन में गाइज। एंड यहाँ पे आपको जिस भी फोल्डर में आपने फोटोज डाउनलोड करके रखा है उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना। एंड ये सारे फोटोज मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, तो इजीली से उसको ज्वाइन करें एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर लें एंड वहां से इस टाइप से फोटोज को इंपोर्ट कर लें गाइस, ठीक है। कुछ इस टाइप से फोटो को सिलेक्ट करके जूम कर लें एंड अगले बिटमार्क पे जाके इस वाला ऑप्शन से एक्स्ट्रा बिटमार्क को कट करें। एंड यहां पे अगले पे जाना, फिर से प्लस पे टैप करना मीडिया ऑप्शन में गाइस। एंड यहां पे इमेज को सिलेक्ट करना, कुछ इस टाइप से जूम करना, अगले बिटमार्क पे जाके इस वाला ऑप्शन पे टैप करके कट करना। देन आगे की ओर जाएंगे गाइस एंड यहां पे तो फिर से प्लस पे टैप करेंगे एंड यहां से इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इस टाइप से उसको जूम करेंगे, इस अगले बिटमार्क पे जाके कट करेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली खत्म। एंड यहाँ से लेकर एंडिंग तक आपको सभी पे इंपोर्ट करते जाना है सिंपली। तो आपको क्या करना, कुछ इस वाले पॉइंट पे आना है, प्लस वाले आइकन पे टैप करना मीडिया के ऑप्शन में, इमेज को सिलेक्ट करना, कुछ इस टाइप से इमेज को जूम करना गाइस, अगले बिटमार्क पे जाके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट करना। देन फिर से प्लस पे टैप करना मीडिया के ऑप्शन में, इमेज को सिलेक्ट करना, कुछ इस टाइप से जूम करना, अगले बिटमार्क पे जाके इस वाले ऑप्शन पे टैप करके कट करना। देन फिर से प्लस पे टैप करना मीडिया के ऑप्शन में गाइस, इमेज को सिलेक्ट करना, जूम करना, अगले बिटमार्क पे जाके कट करना। सो इसी टाइप से गाइस आपको क्या करना, एंडिंग तक फोटो सभी को इंपोर्ट कर लेना। फोटोज इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना, इन पे इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट लगाने से पहले हम स्टार्टिंग में जाएंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट पे इफेक्ट नहीं लगा हुआ, सो हम सबसे पहले टेक्स्ट पे इफेक्ट लगाएंगे। तो गाइस जरूर उसके लिए आपको क्या करना, यहाँ पे लेयर पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में जाना एंड थिएटर पे टैप करके कॉपी इफेक्ट करना। एंड ये वाला कॉपी इफेक्ट करने के बाद आगे जितने सारे भी टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट है ना, उन सभी पे सेम आपको क्या करना, पेस्ट करते जाना। सो कुछ स्टेप से आपको एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद आगे की ओर जाएंगे गाइस एंड इस पे भी आपको क्या करना, टैप करने इफेक्ट के ऑप्शन में थीडोर पर जाके पेस्ट, एंड नीचे वाले लेयर पे टैप करने इफेक्ट के ऑप्शन में थीडोर पर जाके पेस्ट। एंड जितने सारे भी यहाँ पे टैक्स है उन सभी पे इजीली से पेस्ट कर देना। एंड गाइस यार जो भी आप लिखना चाहते हो कुछ और यहाँ पे, तो और भी लिख सकते हो, इजीली से आप कस्टमाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे फुल नेम देना चाहते हो तो नीचे फुल नेम भी दे सकते हो। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से मैंने लिख लिया, सॉरी यहाँ पे आर लिखना था, एफ लिख हो गया। एंड यहाँ पे फाइनली डन। एंड देन गाइस आपको कहने इमेज सब पे लगाना, तो उसका आपको इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना, कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे इतने सारे इफेक्ट है, तो अब आपको ध्यान से देखना कैसे लगाना। सबसे पहले वाला आपको इमेज देखने को मिल जाएगा, सो इमेज पे टैप करना, इफेक्ट के ऑप्शन में थीडोर पे टैप करना एंड कॉपी इफेक्ट करना गाइस। एंड देन आपको क्या करना, बैक देना इफेक्ट वाले सॉरी बिटमॉक वाले प्रोजेक्ट में आना। एंड जैसे एक लिरिक्स आता है उसके बाद आपको एक इमेज देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट वाले इमेज पे टैप करना है इफेक्ट के ऑप्शन में थीडोर पे जाके पेस्ट। एंड देन गाइस आगे की ओर जाना एंड यहाँ पे अगले वाले इमेज को छोड़ देना, देन उसके अगले वाले इमेज पे टैप करना इफेक्ट के ऑप्शन में थीडोर पे जाके पेस्ट एंड डन। आपको अब कुछ नहीं करना, आप सेकंड वाले इफेक्ट में जाना।
तो इफेक्ट फोर जैक में आएंगे, सेकंड वाले मेज पे टैप करेंगे इफेक्ट के ऑप्शन में, थीटर पर जाएंगे एंड कॉपी इफेक्ट करेंगे एंड देन बैक देंगे गाइज, अपने बिट मार्क वाले में आएंगे एंड आगे की ओर जाएंगे स्लाइड करके गाइज, एंड ये फर्स्ट एंड ये आपको अब सेकंड इफेक्ट देखने, सेकंड इमेज जो भी होगा ना उस पर आपने पेस्ट करना, सो इमेज पे टैप करना इफेक्ट के ऑप्शन में थीटर पर जाके पेस्ट। सो देख सकते हो पहला एनिमेशन कुछ इस टाइप से राइट लेफ्ट साइड से एंड ये राइट साइड से आ गया। सो इस टाइप से आपको देख लेना गाइज, ठीक है। बस आपको ये मिडल वाले में आपको पेस्ट करना है, देन फाइनली आपको और कहीं पे भी पेस्ट नहीं करना, एंड देन बैक जाना गाइज अपने बिटमार्क वाले में, सॉरी इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में वापस आना एंड थर्ड इफेक्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। सो इमेज पे टैप करना है इफेक्ट के ऑप्शन में, थीटर पे टैप करना है, कॉपी इफेक्ट करना गाइज, देन बैक जाना अपने बिटमार्क वाले में आ जाना एंड स्लाइड करके आगे की ओर जाना एंड जहाँ पे आपका लाइरिस खत्म होता है ना गाइज उस वाले इमेज पे पेस्ट कर देना। सो हमारा लाइरिस कुछ यहाँ पे सारा खत्म हो जाता है एंड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सो देख सकते हो कुछ ये वाला इमेज था, तो यहाँ पे इसमें इमेज पे टैप करना है इफेक्ट के ऑप्शन में, थीटर पे जाके एंड पेस्ट एंड देख सकते हो गाइज कुछ इस टाइप से इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइज आपको वापस से बैक जाना एंड इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में आ जाना एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो आपको फोर्थ वाला इमेज पे टैप करना है इफेक्ट के ऑप्शन में, थीटर पे टैप करना है, कॉपी इफेक्ट करना गाइज, देन बैक जाना अपने बिटमार्क वाले में आ जाना एंड अब आपको स्लाइड करके आगे की ओर जाना गाइज एंड अब आपको क्या करना, अब आपको वीडियो को ध्यान से देखना। तो यहाँ पे ये इस वाले इमेज पे आपको पेस्ट हो गया, देन आपको ये करना जितने सारे भी इसके आगे छोटे बिट मार्क उन सभी पे पेस्ट करते जाना। तो देख सकते इमेज पे टैप करना इफेक्ट के ऑप्शन में, थीटर पे जाके पेस्ट एंड आगे की ओर जाएंगे, यहाँ पे इमेज पे टैप करेंगे इफेक्ट के ऑप्शन में, थीटर पे जाके पेस्ट, इमेज पे टैप करेंगे इफेक्ट के ऑप्शन में, थीटर पे जाके पेस्ट, आगे की ओर जाना गाइज एंड इन दोनों पे आप पेस्ट कर देना। देख सकते हो दोनों इकट्ठे ही होंगे तो आप इजिली से समझोगे एंड पेस्ट कर दोगे। सो यहाँ पे इजिली से आपको कहना सिंपल से पेस्ट करते जाना, तो यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन में पेस्ट किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेना और उसके बाद यहाँ पे गाइज इन दोनों पे एंड देन उसके बाद इन दोनों पे एंड ओ यहाँ लास्ट, ठीक है गाइज। उसके बाद एक इफेक्ट बच जाएगा वो आपको पता चल गया हो, जितने सारे भी इमेज बच जाएंगे उन सभी पे पेस्ट कर देना एंड उसके बाद गाइज यार यहाँ पे एक SDF प्रीसेट है तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको कहना यहाँ पे आ जाना इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में एंड इसको होल्ड करके रखना एंड देन सेकंड को सिलेक्ट करना, डबल डब्बे पे टैप करना एंड कॉपी टू लेयर, देन बैक जाना गाइज अपने बिटमार्क वाले में आ जाना एंड डबल डब्बे पे टैप करना यहाँ पे एंड डाउन आपको क्या करना पेस्ट टू लेयर है ना इस पे टैप करना एंड ये पेस्ट हो जाएगा गाइज। देन आपको एंडिंग में चले जाना, एंडिंग में जाने के बाद दोनों को वापस से सिलेक्ट करना एंड ये जो एरो का ऑप्शन है देख सकते गाइज, ये जो वाला आइकन आप जैसे इस पे टैप करना है ये जो एंडिंग तक आ जाएगा एंड गाइज जो भी आप PNG हैप्पी बर्थडे का लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंड वीडियो में आपको नहीं बता सकता, आपको पता ही है। तो आपको सेटिंग रहे आइकन उस पर टैप करना, वीडियो पे टैप करना एंड जैसे एक्सपोर्ट पे टैप करना ये जो इजिली से एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो गाइज कुछ इस टाइप से वीडियो को बना लेना, एक्सपोर्ट कर लें। सो मैं बोलते किसी और इंडस्ट्री